हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज़। दिव्यांका सिन्हा और आज मैं आ गई हूँ आपके साथ फिर से एक न्यू चैप्टर को लेके, जो है लाइंस एंड एंगल्स, जो कि है मैथ्स का क्लास नाइन्थ का सिक्स चैप्टर। तो आप अब आप कहोगे कि आपने तो फोर्थ कराया था, डायरेक्ट सिक्स्थ पे क्यों आ गए? क्योंकि आपका चैप्टर नंबर फिफ्थ हो चुका है डिलीट आपके सिलेबस से। तो आपके लिए तो ये खुशी की बात होगी कि चलो अच्छा है, एक चैप्टर का वजन तो कम हुआ। हाँ, तो इसी तरीके से आपका वो चैप्टर हो चुका है कट डाउन। तो इसीलिए हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस। तो आज हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसमें हम बेसिकली किस चीज़ों को यूज़ करेंगे। हमने सिक्स सेवन्थ एट्थ में भी देखा था कि एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस कैसे बनती हैं, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और भी बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स देखे थे। हम उन सब को वापस डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में और इसी की तरह हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे बेसिक्स। तो बेसिक्स टर्म्स एंड डेफिनेशन हम देखेंगे। तो जो एक लाइन होती है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। What do you mean by this? एक लाइन आपने बना दी तो ये तो लाइन नहीं हुई ना, ये तो लाइन हो गई। एक लाइन सेगमेंट कैसे होगी? ऐसे, अगर आप दो एंड पॉइंट्स इसमें बना दो, इसमें इतनी सी भी लाइन हो सकती है, इतनी सी भी लाइन हो सकती है, इतनी सी भी लाइन हो सकती है और बहुत दूर तक की भी, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट होती है, कितनी भी लाइन बन सकती है कितने भी डिस्टेंस की। अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। तो सिर्फ अगर लाइन में एक ही एंड पॉइंट है तो हम इसको क्या कहेंगे? एक रे। ओके, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट और अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अगर एक तीन या तीन से ज़्यादा अगर पॉइंट किसी लाइन पे लाई करे, सेम ही लाइन पे लाई करे, तो हम उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और उसके अलावा हम उसको कहते हैं नॉन कोलिनियर। तो अब हम देखते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। इट इज़ फॉर्म वेन टू रेज ओरिजिनेट फ्राम द सेम एंड पॉइंट्स। तो मतलब जब दो रे एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, मान लो ये एक है, इसी एंड पॉइंट से दो दो लाइन्स या दो रे, तीन रे, चार रे, कितनी भी रे निकाल दो, तो ये सारे जो बीच बीच में फॉर्म हो रहे हैं ना दो रे के बीच में, हम इसी को क्या कहते हैं? अपना एंगल। ओके, समझ आ गया मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रे इज मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड द आर्म ऑफ एंगल। तो जो रे है, मतलब रे ही होता है जिससे ऐसे रे बना दिया आपने, तो जो ये एक एंगल बना रहा है ना, हम इसको कहते हैं आर्म्स, कहते हैं हम इनको, ठीक है। और जो एंड पॉइंट होता है हम उसको वर्टेक्स कहते हैं, इनका एंड पॉइंट है, इसको हमने कह दिया वर्टेक्स। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। ये तो आपके लिए बहुत ही फेमिलियर है, आप कब से इसको पढ़ते आ रहे हो, इवन इन प्राइमरी आपने इसके बारे में देखा था। तो एक्यूट एंगल भाई सबसे सिंपल होता है। क्या होता है एक्यूट एंगल मैम? जो एंगल 90 डिग्री से कम का हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। आप इमेज में भी देख सकते हो। ओके, समझ आ गया मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब राइट एंगल क्या होता है? जिसमें एक 90 डिग्री बन रहा हो, मीन्स एक परपेंडिकुलर बन रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। तो मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि स्क्वायर में ज़्यादा राइट एंगल होते हैं या रेक्टेंगल में, या दोनों में इक्वल होते हैं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ एक सवाल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। मैम क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? पता ही नहीं हमें, ये आप मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप इमेज देख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा इमेज बना है। ये ऐसा बना है, ये ऐसा 90 डिग्री तो सीधा सीधा होता, बट इट इज़ नॉट सीधा। तो बताओ क्या है ये, कौन सा एंगल है, इसका क्या मतलब होता है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। तो अब हम और दो टाइप्स के एंगल देखते हैं। अब ये कौन से टाइप्स के एंगल है मैम? तो स्ट्रेट एंगल आप सबको तो पता ही होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंगल सिर्फ 180 डिग्री का होता हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता हो, उसी को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ये नाम भी सजेस्ट कर रहा है, इसमें स्पेलिंग गलत दे रखी है, ठीक है आप सही लिखना। ठीक है, स्ट्रेट एंगल समझ आ गया। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? पता नहीं, अरे यार याद ही नहीं है मैम, ये तो बता दो। ठीक है बता देती हूँ,
रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से हो कम। और अगर मान लो आपके पास सिर्फ 360 का पूरा कंप्लीट एंगल है, आप उसको क्या कहोगे? यस, कंप्लीट एंगल कहोगे। यस, करेक्ट। तो चलिए आगे चलते हैं, और अब हम जानेंगे एंगल्स के बारे में। इफ़ टू एंगल्स सम अप एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो दो एंगल आपको दे रखे हैं, देखते हैं कैसे। ऐसे ये इधर एक एंगल हो गया। मान लो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या होगा? यस, 90 डिग्री होगा। तो ऐसे टाइप के एंगल को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ टू एंगल्स दोज सम इज 180 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब जिन एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो, हम उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इधर भी 90 कर दो, इधर भी 90 कर दो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो चलिए आगे देखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल दोज एंगल इन विच दे आर ऑन कॉमन वर्टेक्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैम डेफिनेशन ही नहीं समझ आ रही। तो देखो, एडजेसेंट एंगल आप कोई भी ऐसे एंगल ले लो, ठीक है, उसके दो तीन आर्म कितने भी आर्म निकाल दो, अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स है और इनकी जो रे है वो अलग अलग दिशा में भले ही जाए, ऐसे जा रही है और अलग अलग डिफरेंट दिशा में है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। क्या देखो ये क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। यस, देखो दोनों अलग अलग तरफ पे जा रही है। बट लीनियर पेयर आर द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन दोज सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक स्ट्रेट लाइन तो आपको पता ही है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है ये टोटल 180 डिग्री पे। आप इसको एक पार्ट इधर ले लो, एक इधर ले लो, या फिर चाहो इधर एक ले लो और बाकी का इधर कर दो, बीच में ले लो, कहीं भी ले लो। जब भी आप इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट से ओ देन फोर एंगल्स इन द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर मान लो दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है, ए बी सी डी लाइन इंटरसेक्ट हुई इस पॉइंट ओ पे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न हम जानेंगे थ्योरम 6.1 पे। तो ज़्यादा इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, आएगा ही नेक्स्ट ही है हमारा, ठीक है, थ्योरम 6.1 आने वाला है। तो अब देखते हैं कि थ्योरम 6.1 क्या कहता है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसा क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों इक्वल होती है? तो देखते हैं, चलिए मान लो ये दोनों लाइन जो है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन किस पे? ओ पे। तो ए बी और सी डी में ए डी सी जो है ये टोटल एंगल जो है ये 180 डिग्री के इक्वल है। चलो मान लो ए बी जो लाइन है वो 180 डिग्री है और सी डी भी 180 डिग्री है। ओके, समझ गए। तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट 360 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। तो जो चारों एंगल्स, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल ए बी ए ओ बी और एंगल जैसे भी जितने भी चारों एंगल्स हैं हम सबको इक्वल लिख सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ कौन कौन से एंगल है, ए ओ सी और सी ओ बी, ये दोनों एंगल इक्वल थे 180 डिग्री के लिए, इन दोनों को ऐड किया था। ये किसके इक्वल होगा? ए ओ डी और बी ओ डी के इक्वल। तो ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तब आप लिख सकते हो ना, ए ओ सी इक्वल्स टू वॉट? यस, डी डी ओ बी। इस तरीके से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, थ्योरम 6.1 करेक्ट है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, अगर आपको कोई दे दे ऐसा टू लाइट्स इंटरसेक्ट करिए, एक की वैल्यू आपको दी है दूसरे की नहीं दी है, तो आप कौन कौन सी वैल्यूज पुट करोगे जिससे कि आपका ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाए? मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ए बी है, ये सी डी, ओके ओ पे है, ठीक है।
ये एंगल मान लो मैंने दे दिया आपको 60 डिग्री, तो आप मुझे बाकी के 3 एंगल्स बता दोगे? यस मैम बता देंगे, कैसे बता दोगे? आप इसको एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, लीनियर पेयर, तो 180 में से आपको 60 माइनस करना होगा, 120 आ जाएगा, आपको इसकी वैल्यू पता चल गई। और इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, और इससे ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, आपने तो पिछले क्लासेस में भी देखा होगा। इस क्लास में हम इससे ज़्यादा सीखेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे, बहुत सारे थियोरम्स, फैक्टर्स, ये सब हम सीखेंगे। तो क्या आप एक्साइटेड हो आगे की वीडियोस के लिए? अगर एक्साइटेड हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, मैम मेक मोर वीडियोस। क्या लिखोगे? मेक मोर वीडियोस। चलिए तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय।